केवल अप्पा इफ्तिकार पहलवान हमारे एक बहुत ही बढ़िया स्पीच देने वाले सर, नाम भूल गया मैं आपका, इनकलाबी, बहुत ही अच्छा स्पीच दिया मैंने। और जो भी मुद्दे थे वो मैं समझता हूँ बहाल पूरे के पूरे मुद्दे कवर हो चुके। ये अमन कमेटी की जो है मीटिंग है, ये स्पेसिफिकली 29 तारीख बकरीद और इसी दिन मेरे हिसाब से एकादशी की आचार्य, तो ये दोनों त्यौहार एक साथ मनाए जाएंगे। और मालेगांव में सारा महाराष्ट्र, सारा देश देखता है कि कैसे मालेगांव में अनेक त्यौहार एक ही दिन मनाए जाते हैं और वो भी सक्सेसफुली मनाए जाते हैं। हमने बकरीद के लिए बहुत इंतज़ाम किए हैं, हमारा अभी मालेगांव महानगर पालिका में मीटिंग भी हुआ है इसके ऊपर। 84 से ज़्यादा हम ट्रक लगाने वाले हैं जो कि साफ सफाई को मालेगांव में रखेगी। 14 से ऊपर स्लॉटर खाने खोले जा रहे हैं जहाँ पे आप अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। कुछ मुद्दे जो मैं आपके सामने इसमें रखना चाहता हूँ वो ऐसे हैं कि ये जो स्लॉटर खोले जाते हैं वहाँ पे आप लोग कुर्बानी दे देंगे, ये आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए 14 खाने, तो वहाँ पे ही अपनी कुर्बानी दो। वहाँ उसके साथ में हमने पूरे इंतजाम करके रखे, पानी की व्यवस्था करके रखी, साफ सफाई रखने की व्यवस्था करके रखी, वहाँ से गंदगी को लेकर जाने की व्यवस्था कर रखी। अगर हम इन छोटी सी चीज़ों को पालन करेंगे तो जो बहुत अपनी गंदगी की प्रॉब्लम जो मैंने सुना है होती है, ये मेरा भी पहला बकरीद है गाँव में, जो होती है वो नहीं होगी अपने। दूसरी चीज़ ऐसी है कि बहुत लोग इस दिन पानी का उपयोग करते हैं गांव के इस साइड, गांव में पानी अनलिमिटेड नहीं है, अगर इधर ज़्यादा है तो कहीं पे कम भी हो रहा है, उसकी वजह से वाद विवाद बढ़ते हैं अपने। आप पानी का उपयोग करें पर ये ध्यान में रखें कि हम उतना ही यूज़ करें जितना हमको ज़रूरत है। ये नहीं कि आज मैं सड़क धोने चला हूँ, आज मैं अपनी गाड़ियाँ धोने चला हूँ, घर में भी थोड़ा पानी डाल दिया, सब साफ कर लिया, ठीक है वो सब काम है, बट आज जो सबसे इम्पोर्टेंट अपना काम है वो किया जाए। साफ सफाई को आप लोग सब मद्देनज़र रखें इस चीज़ में। कोई भी आपको इंसिडेंट या कोई भी आपको मौका ऐसा लगता है जहाँ पे वाद विवाद हो सकता है, हम पुलिस की टीम सारा दिन उस दिन बाहर रहेगी। आप मेरे को कॉन्टैक्ट करें, आप PI लोगों को कॉन्टैक्ट करें, हमारे ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करें, सब लोग आपके फ़ोन के लिए रेड कर। मैंने सब PI हमारी इंटरनल डिस्कशन हो चुकी थी उस दिन, सबके सब जो भी फ़ोन हमको आएंगे हमको वो उठाने हैं, और जो भी लोग हमको बोल रहे हैं उस दिन काफ़ी सर ऐसा है वैसा है वो चीज़ को चेक करना है, क्योंकि ये त्यौहार अपने को पीसफुली अमन से अगर मनाया जाए तो ये सब के लिए एक मिसाइल हम दिखा सकते हैं कि गांव में या कहीं पे भी राष्ट्र में कहीं पे भी माहौल कैसा हो जाए हम अपना काम अमन से और पीसफुली करते हैं। आपको और भी मुद्दे लगे जो आपको डिस्कस करने हैं, जैसे एंड में उन्होंने बताया कि वहाँ पे रास्ता जाम हो जाता है, ऐसे आपको जितने 5-10 मुद्दे जो भी दिमाग में लगते हैं तो बकरीद के पहले एक प्रॉपर पूरी मीटिंग रखी जाएगी मालेगांव कंट्रोल में, मेरे साथ एडिशनल SP सर होंगे, आप हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम रखें उसको हम ज़रूर बकरीद के टाइम पे मद्देनज़र रखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे आए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों को बकरी अच्छे तरीके से मनाने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।